हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो देखकर तुम लोग को बहुत भूख लगने वाली है, हो सके तो पॉपकॉर्न हाथ में लेके ही बैठो क्योंकि हम कुछ ऐसे केक्स देखने वाले हैं जो कि एकदम रियलिस्टिक दिखते हैं, जैसे कि ये चप्पल। ओके, चप्पल से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, जरा देखते चप्पल के आगे क्या है। ओके, टॉयलेट पेपर भाई, गौर से देखिए इस चप्पल को और बताइए कि ये चप्पल है कि केक है। चलिए प्ले करके देखते हैं। और ये वहां से कट चुका है और ये केक है भाई। ये रहा सेकंड आइटम जो कि असली में टॉयलेट पेपर दिख रहा है क्योंकि पेपर का टेक्सचर भी है इसके ऊपर। अब देखते हैं क्या ये पेपर है कि केक है। वैसे पेपर कट तो जाएगा एकदम इजिली, ये एक्चुअली पेपर नहीं है, केक है भाई। केक के ऊपर असली का पेपर लपेट दिया। और ये साबुन है जो कि केक हो सकता है। चलिए इसको काट के देखते हैं। और ये फिसल गया, केक नहीं है। ओके, ऐसे मैं जो साबुन से नहाता हूं वो पूरा गल के केक ही बन चुका है। ये तो जैगरी का ब्लॉक दिख रहा है और ये असली है भाई। काट तो सही, सिर्फ चाकू टच करके बोल दिया नॉट अ केक। ये एलोवेरा का प्लांट है जो कि एकदम असली दिख रहा है, तो शायद से ये सच में प्लांट है, ये केक नहीं हो सकता। वेट अ मिनट, ये केक है भाई। क्या चीज बनाई है तुमने, ये जो एलोवेरा लगा है वो भी केक है। ये मिट्टी असली होगी या फिर चॉकलेट को ग्रेट करके डाल दिया होगा। ये अब तक का सबसे रियलिस्टिक है। अरे तो शैम्पू का बॉटल है और ये केक है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसा प्लास्टिक का बॉटल चमकता है ना वैसे चमक नहीं रहा है। नाइस, मैंने बोला था। जरा सोचो किसी के बाल ना हो और उसके बर्थडे पे हम ये शैम्पू का केक लेके जाए, बहुत गंदा सीन होगा। यहाँ पर किसी का हाथ रखा हुआ है और ये हाथ असली है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अंदर के वेन्स दिख रहे हैं पूरे। ये केला भी असली हो सकता है। ओ नहीं, केक है ये, दिस इज चॉकलेट केला, या फिर सड़ा हुआ है। नहीं भाई, सच में केक है ये, बाहर का छिलका असली है, अंदर केक है। नेक्स्ट। ओके, दवाई या नॉट केक भाई, ये सोफा काटने जा रहा है, ऑब्वियसली नॉट अ केक, ये तो पिज्जा है, पिज्जा केक। ओ वाओ भैया, देख के डायबिटीज हो रहा है, इसके अंदर कितना शुगर भरा हुआ है। ये केक को देख के डोमिनोज लेफ्ट द चैट। अरे नारियल, एकदम असली का दिख रहा है भाई, और आई थिंक ये असली का ही है। ओ माय गॉड, ये भी केक है। वाह, पहली बार इतना सॉफ्ट नारियल देखा है भाई, फुल नारियल के बालों के साथ, क्या रियलिस्टिक बनाया है। यहाँ पर कुछ रुमाल रखे हुए हैं और ये शायद से केक हो सकता है क्योंकि ये टेक्सचर वैसा दिख रहा है। हाँ देखा, मैंने बोला था ये केक है। गाइज, अब्दुल ने एक नया सोडा निकाला है, टेमिजलिक आइकॉन सोडा। ओ भाई, सोडा को भी काट दिया, ये सोडा भी केक है। नाइस ट्राई अब्दुल के सोडे, ये पक्का रियलिस्टिक मास्क है, इतना पतला केक कोई कैसे बनाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स और फ्रेंच फ्राइज रखे हुए हैं और मैं बोल रहा हूँ कि ये केक है क्योंकि ये फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहे। अब जरा खोल के तो दिखाओ अंदर क्या है। मिर्ची के अंदर भी चॉकलेट, वाह भाई वाह। भाई साहब, वॉश बेसिन काटना आया, नहीं कटेगा भाई। जूते, ये भी असली है भाई, इंसान को काटने जा रहा है क्या, असली है। हाउ डिड यू नो, मुझे पूछ रहा है। इनका दिमाग तो घास चरने गया है, पर आपका तो आपके पास है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे ये क्लिप तो मैंने आगे देखा हुआ है, रिमोट केक नहीं है, ये डोरिटोज वाला केक है, नाचो चीज के अंदर से केक निकल रहा है। ये केक नाश्ता है क्या, सॉरी ये फ्रेंच फ्राइज है, और फ्रेंच फ्राइज तो असली है लेकिन इसके बाजू में जो बर्गर है ना ये केक होगा, पता ही था क्योंकि बहुत स्मूथ दिख रहा है। ओ माय गॉड, क्या टेस्ट दिख रहा है भाई। अंदर का चीज तो असली होगा ना, कि वो भी नकली है। चॉकलेट और दूध को दोनों को मिक्स कर दिया है और उसको इंजेक्शन में भर रही है, क्यों। ये 5 मिनट क्राफ्ट वाले ना कुछ भी करते हैं। अब उनको एक प्लास्टिक के तपेले में डाल दिया है, अंदर बादाम भी डाल दिया और कुछ तो बना दिया इसने। अब इसके ऊपर हनी डाला हुआ क्या, और फिर इसको काटेगी, ठीक है। आइसक्रीम निकला है अंदर से, टूथपेस्ट को काट रही, ये भी केक है क्या। ओ नहीं है, नहीं है, ओके। बारिश के सीजन में भुट्टे का मजा लो, लेकिन ये भुट्टा नहीं है, मैं पक्का बोलता हूँ ये केक है। वाओ, दिस वाज सो सैटिस्फाइंग यार, कितना डिटेलिंग करके केक बनाया हुआ यार, एक नंबर। ककड़ी है, ककड़ी के अंदर केक नहीं निकलने वाला। और उसके बाजू में मिर्ची रखा हुआ है जो कि एक केक है, दिख रहा है क्योंकि बहुत चमक रहा है। मिर्ची को फुल हार्पिक में डुबो के साफ किया लगता है। ओ चॉकलेट अंडा, वाओ, उसके अंदर मार्शमेलो डाल दिया और कोको पाउडर डाला है, और कुछ रंग बिरंगे टैबलेट्स डाले हुए हैं। उसके अंदर दवा भी हो सकती है, जैसे मम्मी हम लोग को उल्लू बना के पिला देते हैं दवा। यहाँ पर ये दूसरी केक बना रही है, पता नहीं ये केक क्या बनने वाला है, छोटा सा बॉल बना रही होगी। केक के ऊपर फुल डायबिटीज वाला क्रीम डालते हुए केक को बाहर से बॉल का शेप दे रही है। फुटबॉल में खड्डा क्यों किया इसने। अच्छा वेट, ये एप्पल जैसा दिख रहा है, एप्पल है ये। एप्पल के ऊपर रेड कलर के वेलवेटी कपड़े पहना दिया है, ये कपड़ा को खा सकता है क्या भाई। इसके ऊपर पेंटिंग भी कर रही है, वाह, इसलिए इतना चमक रहा है। बिना हार्पिक के बाथरूम चमकाओ, सीधा पेंटिंग कर दो। यहाँ पर एक बड़ा सा पत्ता लिया उसने, उसमें छोटी पत्ती काटने वाली है। नाइस, ओ वाओ, क्या मस्त चिपक के निकल रहा है। अब इस पत्ते को मसाज दिया जा रहा है और वो पत्ता भी एंजॉय कर रहा है। एक ग्रीन स्टिक पे ब्राउन, अच्छा वो एप्पल के ऊपर का टिंगुल बना रही है। तो ऐसे बनता है रियलिस्टिक केक, वाओ। अरे भाई इतना जल्दी काटा क्यों, देखने तो दे आराम से, ठीक है भाई, उसका केक है उसकी मर्जी। तो इतना बड़ा चिकन का पीस है, एक्चुअली चिकन नहीं है, इसको टर्की बोलते हैं। बट क्या ये असली वाला टर्की है क्या, नो, ये भी केक है। चलो एटलीस्ट वो वटाना तो असली है। यहाँ पर चॉकलेट को शेप करते हुए, और मैं बोल रहा हूँ ये घर बना रही है पक्का। देखा, चॉकलेट का बेस भी लगा दिया इसने, उसके ऊपर चॉकलेट का सीमेंट लगा रही है और पहली दीवार चिपका दी। ओ भाई क्या मस्त खड्डा किया है रे विंडो के लिए, बीच का पार्टी उड़ा दिया, घर तैयार है।
छत बनानी बाकी है, छत के लिए भी सीमेंट डालते हुए। ओ ये कैसा किटकैट है, हमारे इधर तो नहीं मिलता ये। ओहो ये चॉकलेटी सीमेंट, वाह। और घर के ऊपर थोड़ा सा बर्फ छिड़काते हुए, वाह कितना मस्त दिख रहा है। पीछे शांता भी घर को देख के खुश हो गया है। शांता बोला मैंने, मेरी क्रिसमस शांता। तो यहाँ पर बनने जा रहा है ओरियो का आइसक्रीम और उसके साथ लिया है हैवी क्रीम। हम कोई आम क्रीम नहीं यूज करते, वजनदार क्रीम यूज करते हैं। ओके तो क्रीम के अंदर ओरियो का क्रीम निकल के डाल रही है। व्हाट इज दिस यार, क्रीम इंसेप्शन। और उसी क्रीम को ओरियो के ऊपर डालेगी फुल रस बना के। फ्रीज करने बोला हुआ है, ठीक है। फ्रीज करने के बाद क्या, ओ चोकोबार बना दिया भाई। ये पिंक मलाई तो चिपका भी नहीं है उसके ऊपर बराबर से, एटलीस्ट ये मैगी ओरियो से तो अच्छा ही है। और एक पेड़ आ गया जिसको हम भयंकर तरीके से काटते हुए, यार पत्तियां तो असली है वो मैं बोलूंगा, भले नीचे का पार्ट पूरा केक हो। यहाँ पर रोनाल्डो का टी शर्ट लटका हुआ है, क्या ये टी शर्ट के अंदर से केक निकालेगा भाई? टी शर्ट को ही काट रहा है ये, टी शर्ट नहीं है, इट्स अ केक। ओ माय गॉड, और पूरा केक का टुकड़ा निकाल दिया भाई। दरवाजे के पीछे क्या है, कुछ नहीं है। ओ दरवाजा ही केक है, ओ माय गॉड। ये एक्चुअली छोटा दरवाजा होगा जो कैमरा में बड़ा दिख रहा है। अब इन सब चीजों में से क्या क्या केक हो सकता है वो बताना आपको। सबसे पहले सेलो टेप वाला तो केक दिख रहा है पक्का, क्योंकि वो बहुत चमक रहा है। और ये जो मेजरिंग टेप है ना, ये भी केक दिख रहा है क्योंकि उसका कलर बहुत ही ऑड है। ऐसा पिंक और ब्लू में कौन मेजरिंग टेप बनाता है भाई। बस बाकी सब तो एकदम रियलिस्टिक दिख रहा है। पहले प्ले करके देखते है क्या है। सबसे पहले उसी को काटेगी क्योंकि वो केक ही है। इसके बाद क्या, यस वो मेजरिंग टेप भी केक ही है। लेट्स गो। एक मिनट, कैची भी केक है, कैची की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया अपना। जरा सोचो अगर कैची से कोई पेपर काटने गया और पेपर के जगह पे कैची कट गया। सर्दियों के बर्फ में एक बड़ा सा टोपा रखा हुआ है और ये टोपा बहुत ही रियलिस्टिक है। वेट, ये भी केक है। ओ भाई ओके, बाहर से एकदम तगड़ा है लेकिन अंदर से एकदम गंदा है। ग्रीन कलर का केक कौन डालता है भाई? ओहो वेट अ मिनट, वो बर्फ भी केक था और वो भी ग्रीन कलर का केक। ऐसा लगा हुआ किसी एलियन ने केक बनाया हुआ है ग्रीन ग्रीन कलर का, या फिर केक के अंदर एलियन का खून हो सकता है। दया हटअप एसीपीजी, अभी भी उठ के आ जाते हैं। गुची का बैग नहीं है ये, उसके जैसा दिखने वाला बैग है जो कि मस्त चमक रहा है, एकदम असली दिख रहा है, लेकिन ये भी केक है। ओके ओ अंदर से मुझे लगा खोखला रहेगा, बट ये तो अंदर से भी भरा हुआ है। मस्त वजनदार केक है, अगर कोई चोर पर्स चुराने जाएगा तो उसके हाथ में केक आएगा। भाई ने सैंडविच को भी केक बना दिया। ओके ये लाइट को काट रहा है, वेट ये केक नहीं हो सकता भाई, अंदर लाइट भी दिख रहा है मुझे। एक मिनट टुकड़ा निकाल ले दो, क्या क्या दिखा दिखा जरा। वीडियो बीच में ही काट दिया, अगर ध्यान से देखेगा तो ये भी केक ही है। ऐसे सिर्फ ऊपर का पार्ट केक है और अंदर से असली वाली लाइट डाल दी है। ओके ये बंदा कुछ तो बना रहा है, और ये पक्का कैसल बना रहा है बोल रहा हूँ मैं। पहले कैसल का डंडा ही बना दिया है, उसके बाद एक कैसल का घर बनाया हुआ है और पूरे घर को व्हाइट चॉकलेट से रैप कर दिया है। वाओ मस्त शेपिंग कर रहा है, फेंस विंस लगा रहा है। एक्चुअली दरवाजा था वो। ओके ओ ये तो लेगो के जैसा दिख रहा है। हाँ एक्चुअली लेगो है, और इसने लेगो को केक के फॉर्म में बनाया है। वाह भाई ऐसा तो मैं पेपर पे नहीं बना सकता, भाई ने केक पे बना दिया। ओके भैया जी और एक नई चीज बना रहा है, देखते हैं क्या है। दो चॉकलेट के बोल लिए हुए, बड़ा सा बॉल बनाया हुआ है भाई, बहुत फटाफट बना रहा है। चाय की केतली बना दी है, नाइस। और इस चाय की केतली के ऊपर व्हाइट कलर का पेंट करते हुए, एक्चुअली ऑल कलर का पेंट करते हुए, और ये पेंट खा सकता है क्या? ओ वाओ पूरा कटलरी बना दिया भाई। बर्फ के अंदर एक बड़ा सा घर, एक्चुअली ऊपर से आटा छिड़का हुआ है बर्फ के जगह पर। अब इस घर को काटो, घर की छत ही काट दी पहले। छोटे छोटे क्यूट क्यूट से गिफ्ट है, लेकिन ये भी केक है। वाओ ये बहुत सेटिस्फाइंग था सच में यार। वी हैव अ कछुआ इन द हाउस गाइस, जिसकी पेंटिंग एकदम मस्त की है, फुल चमक रहा है भाई। कछुए ना के आया लगता है, कछुआ सॉरी कैसे ना आएगा, केक है यार ये। वेफर का पैकेट रखा हुआ है लेकिन दिख रहा है कि ये पेंट किया हुआ है, लेकिन क्या सही पेंटिंग है यार, फुल इतना जाड़ा केक। अरे भाई साहब कुछ तो बना रहा है, वो डॉगी बना रहा है। डॉगी फिर डॉगी को ऐसा चम्मच लेके खाएगा, देखा है मैंने वो वीडियो, बट ये चम्मच से बहुत ज्यादा भाई ये ही नहीं देखना था। ओके क्यूट सा डॉगी हमारा रेडी हो चुका है, फुल ग्रे कलर का डॉगी है भाई। इसकी शेप बनाई भूल गया तू, प्रो लोगों से भी होता है ऐसा मिस्टेक। वर्ल्ड्स फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली का ग्लव रखा हुआ है सामने, क्या कड़क ग्लव दिख रहा है ना, लेकिन ये ग्लव नहीं है केक है। एक मिनट पहले मोहम्मद अली था ना, अभी टाइसन किधर से आ गए? जैसे ही ग्लव केक बना मोहम्मद अली लेफ्ट द चैट। ओ ओके ये नहीं देखना था, अरे उसने फोल्ड किया है नीचे से, पता है मुझे। अब ये उंगली को काटेगा नहीं उठाएगा, ओ भाई खा लिया उसने, चलिए असली उंगली निकालिए। यस दैट्स माय बॉय। तो जी बर्गर केक बनाने का प्रोसेस क्या होता है ये दिखा रहा है, तो असली ताकत इसके पेंटिंग में है। और चीज को भी ऐसे काट के रोल करके लगा दिया है, अब ये बीच का पैटी बना रहा है, गोल गोल बना के ऐसे ही चिपका दिया भाई, ये तो धोखा है। फाइनली बर्गर तैयार है दोस्तों, सारी चीज सिर्फ बाहर से चिपकाई हुई है, अंदर से पूरा एक जायंट केक है। बाहर से फुल चिकना बर्गर, अंदर से फुल काला केक। ए बच्चे केक मत खा, नहीं 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 मत खा। ए
टोपी हटा रहा है, छुपा हुआ मार्शमेलो खा रहा है, हाँ नॉटी बॉय, देखते हो क्या कैमरा पे, हाँ देख 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 शू करता है। तो भाई साहब यहाँ पर कोक का बॉटल बना रहे हैं, बॉटल के आसपास ये चिपका देंगे वो। भाई तूने सच में पेंट किया कि तू सिर्फ ब्रश घुमा रहा है, पहले से प्रिंट होके आया होगा। और ये लपेट रहा है, वाओ बन चुका है हमारा कोका कोला का बॉटल। और एक जैकेट बेचने निकाला है और वो केक है एक्चुअली। भाई केक अगर जैकेट के भाव में बेचेंगे तो बहुत लॉस होगा उनको। ए बॉनविटा का ग्लास लेट्स गो, और एक कट गया ग्लास, ओके वाओ क्या मस्त केक बना है। अरे भाई साहब हेलो, अंकल का पुतला नहीं है केक है एक्चुअली, भाई पूरा सर ही काट दिया ये गलत जगह काटा तुमने, ये लॉबस्टर एक्चुअली केक है क्योंकि चाकू ऑलरेडी अंदर घुसा हुआ है, मैंने गलत टाइम पे पॉज कर लिया। लेकिन हाँ बड़ा झींगा केक। और एक साबुन आ गया दोस्तों, अरे साबुन के ऊपर इतना झाग पड़ा हुआ है मतलब ये पक्का फेक है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही डिटेल बनाया इन्होंने। वेट हाँ फेक ही है क्योंकि असली वाला साबुन भी कटता है। भाई इतना बड़ा मिक्सर बना हुआ है और ये भी एक केक है, वाओ यार कोई तो दीदी का पैर है ये, या फिर केक है ये। भाई ये अब तक का सबसे रियलिस्टिक केक था, भाई पूरा पैर, अरे यार अंदर से फिर से ग्रीन, ब्राउन डाला करो ना। अरे अरे दीदी जींस पैंट को भी नहीं छोड़ा, वाओ ये बहुत मस्त दिख रहा है। ये डेकोरेशन वाला पेड़ है, इतना छोटा छोटा आता है, बट ये असली पेड़ है क्या, ये भी केक है क्या, ओ माई गॉड ये पत्तियां कैसे बनाई है यार तुमने, जब डेकोरेशन में रखना है रखो, जब भूख लगा तब खा लो, टू इन वन काम करता है ये। हैरी पॉटर की जादुई बुक है यहाँ पर, ये बुक तो केक हो सकता है लेकिन वो कैंडल असली होगा शायद। चलिए बुक को काटा जाए, केक है क्या थोड़ा, हाँ भाई केक ही है भाई, कैंडल को, कैंडल भी केक है, ओके धोखा दे दिया कैंडल है। वो ब्रोकली है इधर, इतने माइन्यूट डिटेल्स के साथ ये बनाया हुआ है ना, बहुत मस्त है। और ये भी केक ही होगा, काटो भैया केक ही है, देखा ग्रीन के अंदर ब्राउन केक है, ऐसा केक बनाना चाहिए, क्या मस्त केक है यार, ओ माई गॉड अंदर से फुल ग्रीन कलर का क्रीम डाला हुआ है यार, क्या सही दिख रहा है ये। ओ भाई डोंट टेल मी ये भी केक है, पहली बात तो ये है क्या मुझे वही नहीं पता, ये शायद से रेडिश टाइप होगा कुछ। वेट ये भी केक है भाई, अरे कोलगेट है, कोलगेट एक्चुअली केक है। वेट क्या करने वाला है ये, कोलगेट को काटेगा, और ये भी केक है भाई, कचरे का डब्बा यहाँ पर जिसके अंदर एक्चुअली कचरा है, बट गेस वॉट ये भी केक है, दिस इज द कचरा केक। हमारे कचरा सेट के बर्थडे में हम यही केक लेके जाएंगे। अरे हार्पिक क्लीनर आ गया, हम मच्छरों के बर्थडे में ये केक देंगे, बेचारे मच्छर सब डर के भाग जाएंगे। भाई पूरी कार है यहाँ पर, क्या बनाया है यार, एक नंबर, फुल कार इज अ केक। और स्टीयरिंग व्हील तोड़ दिया भाई, स्टीयरिंग व्हील खाओ, पूरा एसी भी तोड़ दिया भाई, अब सीट को भी काट रही है ठीक है। और डिक्की के अंदर भी केक है क्या, अरे भाई यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि दिख रहा है क्लियरली केक है। इतना बड़ा केक कोई बनाता कैसे है यार, फुल 5-10 किलो का केक होगा ये। अरे बिटकॉइन का केक भी आ गया, चलो बिटकॉइन नहीं तो बिटकॉइन का केक ही सही। वाओ अंदर से फुल RGB केक है, यहाँ पर पैनासोनिक का रेडियो लगा हुआ है और इस रेडियो के अंदर से एक छुपा रुस्तम केक निकला है। यहाँ पर दो लोग अपना लंच खोलते हुए, ओके लंच में नूडल्स बने हुए हैं, नाइस। वेट ए डोंट टेल मी कि नूडल्स भी केक है, अरे भाई नूडल्स भी केक है, रूबी ग्रीन कलर के। अरे भैया ये तो रोने लग गया, देखो लड़की को देख कैसे खुश हो रही है, नहीं उसका असली खाना है ना इसलिए खुश हो रही है। भाई जो लोग डाइट में है उनके लिए घासपुस है यहाँ पर, घासपुस के नाम पे केक है, इनको वजन कम करना भी अच्छा ऑप्शन है, उल्टा कमर के जगह पे बढ़ जाएगा। यहाँ पर बुक्स की लाइब्रेरी है और ये बुक भी केक लग रहा है शायद, व्हाइट चॉकलेट के ऊपर पेंट किया हुआ है ना। अरे वाह कड़क मस्त केक बनाया, इसी ने हमारे लिए फूलों का गुच्छा भेजा हुआ है पेपर के अंदर, अब देखते हैं ये गुच्छा भी केक है। ओह माय गॉड भाई ये प्रिंट कैसे किया यार केक के ऊपर, ये पेंट तो नहीं किया होगा ऑब्वियसली, अच्छा पेपर चिपका हुआ है क्या, ओके गाइस आज के लिए बहुत सारे केक देख लिए, अभी मुझे भूख लग रही है मैं जा रहा हूँ खाने, गुड बाय।